बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है वो हमारा कंटिन्यू है, और आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर का जो है वो एटमी मॉडल। अब बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी थी ये 1913 में नील बोहर जो था साइंटिस्ट, इसने अपना एटमी मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया, और इसने जो है सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जो है वो टोटली डिपेंड करता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक ऐसी क्वांटम थ्योरी थी जिसमें ये बात बताई गई कि एटम मुसलसल एनर्जी जो है वो खारिज या जज़ब नहीं करता। जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल जो है वो एनर्जी खारिज करते हुए न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए और एटम का मॉडल फना हो जाना चाहिए, लेकिन प्लैंक्स की थ्योरी को उसने अवॉइड किया। प्लैंक्स की जो थ्योरी थी उसको स्टडी नहीं किया, जबकि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो टोटली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड करता था। अब इसने कहा कि बोहर के मॉडल के मुताबिक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो ना तो एनर्जी जज़ब करता है और ना ही एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो खारिज करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है इज क्वांटाइज्ड, मतलब जो एनर्जी है एटम की वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में, क्वांटाइज्ड का मतलब है कि फिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है और ये एक मखसूस फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है, इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल। चले अब हम जो है वो पासुलेट्स पढ़ते हैं बोहर की एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स पासुलेट्स। अब इसने जो स्टडी की थी वो हाइड्रोजन एटम को की थी, तो कहता है कि द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस, कि हाइड्रोजन का एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके किसी सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस आर है उसमें इसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, जिसको हम लफज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए क्वांटाइज्ड। तीसरा पॉइंट ये है, कहता है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मखसूस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना ही वो एनर्जी रेडिएट करता है, रेडिएट का मतलब खारिज करता है, और ना ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एमिट और एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो है वो जंप करता है। तो आमतौर पे ये कंसीडर किया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप करता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उस वक्त ये जो एनर्जी है वो अमिट करता है, किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। उसकी इक्वेशन ये है डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, ई टू दूसरी एनर्जी और ई वन जो है वो पहली एनर्जी, मतलब जंप करने से पहले एटम की क्या एनर्जी थी, जंप करने के बाद जो है वो एटम की क्या एनर्जी है, यानी कि एक एटम ने जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो है वो अपनी पोजिशन चेंज की तो उस वक्त क्या है, तो डेल्टा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन दैट इज इक्वल टू एच म्यू, इसको आपने वी नहीं म्यू पढ़ना है, एम यू म्यू। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट में ही जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। अब यहाँ पर एन जो है वो क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिट नंबर भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलती जाएगी, और एच जो है ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -34 जाउल सेकंड, और जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की। अब ये आपके सामने जो है वो एक मॉडल आया है बोहर का मॉडल। अब देखें ये न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमने दो इलेक्ट्रॉन का जो है वो यहाँ पे ड्रा किए ताकि हम समझ सकें। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम देखते हैं तो ये लोअर ऑर्बिट है, ये सबसे हायर ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन ने जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाना है तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और जब इलेक्ट्रॉन ने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है तो उसने एनर्जी एमिट करनी है। अब यहाँ पर हम एक बात अच्छे तरीके से समझ लें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर होता है उसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है, और इसी तरह इसकी एनर्जी और ज़्यादा। कहने का मतलब ये कि ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी इससे ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, मूविंग कर रहा है, यहाँ पे वो मूवमेंट शो कर रहा है इस ऑर्बिट में, ये सारे में। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रिवॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी कम होनी, क्यों, क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है,
मखसूस है। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी जो है वो हमारे पास क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूविंग कर रहा है, इस ऑर्बिट में मूविंग कर रहा है, तो इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए ही है। लेकिन जब इसने यहाँ से यहाँ जाना है, अब यहाँ पर इस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट को जो है वो कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर टोटली उल्टा है, यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी ज़्यादा है और अब ये नीचे जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसके पास जो एनर्जी है वो इस ऑर्बिट के हिसाब से है और जाना इसने इस ऑर्बिट में है। तो अब आप इसने अपनी एनर्जी को इस ऑर्बिट के लिहाज से करना है, तो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एमिट करेगा। कितनी एमिट करेगा? कि जितनी ज़रूरत है, मतलब इस ऑर्बिट में आने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो रख लेगा, बाकी एनर्जी जो है वो एमिट कर देगा। और यूँ हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करता है, और जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी एमिट करता है। अब डिफरेंस है, क्योंकि हम पीछे जो है वो थ्योरी पढ़ चुके हैं, एक हमने पढ़ी थी बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी, और यहाँ पे अब हमने पढ़ी है बोहर की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर पढ़ी, और पीछे हमने रदरफोर्ड का एटमी मॉडल जो है वो पढ़ा था। अब रदरफोर्ड का जो एटमी मॉडल था उसके कुछ पॉइंट्स इधर हैं और बोहर के एटमी मॉडल के जो है वो कुछ पॉइंट इधर है, दोनों को हम डिस्कस करते हैं। अब जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्लासिकल थ्योरी पे डिपेंड करता था, इसकी बुनियाद क्लासिकल थ्योरी पे रखी गई थी, जबकि बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो मैक्स प्लैंक जो कि क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न जो है वो थ्योरी, उसके ऊपर बुनियाद थी। अब रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होगा, जबकि बोहर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी खास ऑर्बिट वाले, कुछ खास एनर्जी वाले ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करता है। अब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इसने नहीं दिया था, जबकि बोहर ने जो है वो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और ये रिवॉल्वेशन के बारे में भी बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। मुसलसल स्पेक्ट्रम मैंने बताया था कि मुसलसल एनर्जी खर्च करनी चाहिए, लेकिन एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। बोहर कहता है कि नहीं भाई, एटम को जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। एटम शुड कोलैप्स, एटम को तबाह हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। बोहर रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक एटम एग्जिस्ट जो है वो नहीं कर सकता, कब तक एग्जिस्ट करेगा? जब तक इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा एटम फारग। लेकिन बोहर के मुताबिक ऐसा नहीं था, क्योंकि इसने खास ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसके मुताबिक जो है वो एटम को एग्जिस्ट करना चाहिए, एटम को अपना वजूद बरकरार रखना चाहिए। जज़ाकअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।